हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, जिसने आज गिरते हुए मार्केट में भी थोड़ा स्ट्रांगनेस दिखाने की कोशिश की है। स्ट्रांगनेस का मतलब यह है कि 551 का लो लगाया था और 573 का हाई लगाया था, बट फिर से 559 पे जाके क्लोज हुआ है, मतलब डायरेक्ट लोअर सर्किट पे नहीं गया। हालांकि नो डाउट आज गिरा है, बट जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में फॉल होगा तो तुरंत लोअर सर्किट में चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है अदानी विल्मर में, जिसको हम पॉजिटिव ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये शेयर डायरेक्ट गिरता नहीं है, सस्टेन करने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें आज वॉल्यूम बहुत ही कम देखने को मिले हैं। एनएससी पे 7,60,000 शेयर्स एंड बीएससी पे 1,28,000 शेयर्स, सो ऑल टुगेदर ओनली 9,00,000 शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है। मतलब लोग अभी कॉशियस होकर बाइंग कर रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा सेलर्स भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा बायर्स भी नहीं है। आज भी एफएमसीजी इंडेक्स था निफ्टी का 1% डाउन था, तो मार्केट में आज गिरावट होने के कारण भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। बट पॉजिटिव बात यह है कि अदानी विल्मर का शेयर, जो उसका 550 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से बार बार बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। बट अगर मार्केट में फिर से अगर गिरावट देखने को मिली तो ये 500 रुपीज़ को भी टच कर सकता है, और आने वाले दिनों में अगर 10-15 दिन में मार्केट बेरिश ही रहा और गिरते ही रहा तो 400 रुपीज़ तक भी जा सकता है। इस बात का ध्यान रखकर आप अदानी विल्मर को बाय कीजिए, बट बाय करते वक्त बहुत क्वांटिटी बाय नहीं करना है, थोड़े थोड़े शेयर्स बाय कीजिए, बाय और डिप के स्ट्रेटेजी से बाय कीजिए, और थोड़ा थोड़ा ही लीजिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करते हो तो बाय करके प्रॉफिट हुआ तो तुरंत बुक करके निकल जाना है, क्योंकि बाउंस बहुत थोड़े कम आएंगे और गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मार्केट में ऐसी सिचुएशन बन गई है, और एक बात ध्यान रखिए, कोई भी शेयर कितना भी अच्छा रहा फिर भी मार्केट के आगे नहीं जा सकता है, तो अदानी विल्मर की भी वही हालत है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर है, बट मार्केट जैसे जैसे वीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ये 550 को दो बार टच कर चुका है अभी तक कुछ दिनों में, तो अगर इसको फिर से टच कर नीचे गया तो ये नीचे के लेवल खोल देगा जो कि 500 रुपीज़ के हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, बट ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा नीचे ही जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बट पॉजिटिव बात इतनी होती है अदानी विल्मर में, जब भी मार्केट में बाउंस आता है तो इसमें भी शार्प हमको राइज देखने को मिलता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो थोड़े थोड़े बाय कीजिए। जिन्होंने कम रेट में लिया होगा, मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़े बहुत शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि नीचे जाएगा तो आपको दुख होगा कि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। बट ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर है। थैंक यू फ्रेंड्स।